लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थाना मजोला क्षेत्र स्थित श्रीमान थाना प्रभारी महोदय जी को एक ज्ञापन। प्रार्थनी श्रीमती कम्मोस शर्मा पत्नी श्री पवन कुमार निवासी F219 थाना मजोला की रहने वाली है। दिनांक 27 जून 2021 की शाम को लगभग 8:30 बजे रात्रि प्रार्थनी अपने घर पर अपने बच्चों को खाना दे रही थी, तभी अचानक जबरन पहले से रंजिश करने वाला रूप कुमार वर्मा पुत्र स्वर्गीय हरिओम कुमार वर्मा अभिषेक वर्मा घर में घुस आए और प्रार्थनी को माँ बहन की गंदी गंदी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी और गलत नियत से लाठी डंडों से मारना पीटना शुरू कर दिया। प्रार्थनी को बचाने के लिए लड़की बाड़ी शर्मा बीच में आई तो अंत में लोगों ने उसे भी मारा पीटा। देखिए पूरी जानकारी के लिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर मनोज सैनी की रिपोर्ट मुरादाबाद। तो फिकर ना किया, हॉट ना इंसाफी कर रखी। मैंने इतनी एप्लीकेशन दी, आज तक मेरी एप्लीकेशन में बंदा एक बार भी नहीं आया। उसके एक फ़ोन पे आते ही हम पे ऐसा अत्याचार करता, कोई गुंडा भी क्या करेगा। किस संबंध में लेकर आपके साथ घटना हुई है, क्या घटना हुई है वो बता। ऐसा हमारे पड़ोसों पर रहते हैं रुकमा वर्मा, उनसे हमारी लड़ाई चल रही है, ठीक है। उन्होंने छोटी कंप्लेन मेरे भाई के खिलाफ भेज दी, टीचर उसका काम करता जहाँ का वो है उसके वहाँ का तो पता नहीं, कांचीराम मेरे नाले पता चल गई तो उसकी छानी करेंगे कोतवाल वाले। मेरा केस वहीं भेज दिया, कोतवाली वालों ने मुझे बुलाया, बोले इस तरह से हमें कोई मतलब नहीं, आप ही लोग देखो आपका केस मंजोले का। तो पंकज कुमार मैं रात को आई, मेरी सास ने उन्हें बुलाया, मेरी सास बोली भाई नीचे आओ क्या बात है बात कर लो ना आए। जैसे नीचे सरकार हाथापाई करने लगे, इसलिए मुंशी के रूप कुमार वर्मा ये कौन है ऊपर रहते हैं मुंशी हाथापाई करने लगे। इसी देर में बेटे ने होशियारी के दिखाई, पुलिस को फ़ोन कर दिया 100 नंबर पे। पुलिस आई, मैंने सर मेरी सुनो तो कह रहा है तुम्हारी सुनो, हमें अभिषेक वर्मा ने बुलाया ऊपर आई मुझे बोली चल थाने। मैंने मैं क्यों जाऊँ थाने, मैंने जो मैंने बुलाया नहीं मेरी सुन नहीं रहा क्यों जाऊँ। चले गए वो, फिर रात को मेरे पति आए, मैं ऐसो के पास पहुँची उन्होंने नहीं सुनी। फिर मैं इंतहाई एस एस पी साहब पर रात को ही, उन्होंने भी चलो ना आदेश करे एस एस पी साहब ने, सर ने आदेश करे तब भी ऐसा करो, ऐसा जी ने कह दी कि सुबह आना। फिर मैं चौकी पहुंची, चौकी दरोगा बोला सुबह आना। मैं जब घर गई मेरे पति काम पे से आए, पूछने लगे क्या हो गया था, लोंडिया फोन गया, लोंडिया बहुत रो रही थी, मैंने ऐसे ऐसे हो गई थी तो ये पर बुलाने लगे। एकदम पुलिस बुलाई, दरोगा मारता हुआ लठियों से लेके मेरे आदमी को, उसके आदमी को एक उंगली तक नहीं छुआई, इतना मारा थाने भी ले आके मेरे पति को। फिर सुबह मेरे साथ मार पिटाई की माँ बेटों ने, मतलब मैं माँ बेटे उसका बेटा और वो पिट गए। मेरे सर थोड़ा पड़ा, मेरे लोंडिया के चोट है, मेरा कहीं मेडिकल नहीं है, कहीं भी मेडिकल नहीं करा, दोस्त का पटाखे मेडिकल करा दिया चूड़ी मार के वहीं पे, कि चूड़ी मार लो। आज किससे शिकायत किया आपने? आज मैंने सबकी साथ से शिकायत करी, मुझे न्याय की उम्मीद है इनसे। क्या चाहते हो आप इसमें? मैं चाहिए सत्कार से सबसे बताया झगड़ा दिया रिश्वत को, और ये बेइंसाफी करता है सबके साथ, पूरी बिल्डिंग में धमका के आया कि कोई और इसकी मदद मत करना, मैं तो सबके खिलाफ मुकदमे लिख दूंगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब।